तो आज हम लोग बात करते हैं 50mm प्राइम लेंस के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक हम इसके बारे में बात करेंगे वो है शार्पनिंग। तो प्राइम लेंस की सबसे खास बात यह है कि इसकी शार्पनिंग, जब आप कोई पिक्चर क्लिक करते हो तो उस पिक्चर के अंदर बहुत अच्छी शार्पनिंग देता है प्राइम लेंस। इसकी जगह अगर आप कोई किट लेंस यूज़ करते हो तो उसकी शार्पनिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। अगर आप किसी किट लेंस से क्लिक पिक्चर को प्राइम लेंस से क्लिक पिक्चर से कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट्स इजीली शो हो जाएंगे, जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि जो प्राइम लेंस से क्लिक पिक्चर है उसके अंदर शार्पनिंग बहुत ही अच्छी आ रही है, जबकि किट लेंस पे क्लिक पिक्चर में शार्पनिंग इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। 50mm प्राइम लेंस आपको हर तरीके की फोटोग्राफी में इजीली यूज़ आएगा। तो मेरा कहना यह है कि आपके कैमरा बैग के अंदर एटलीस्ट एक प्राइम लेंस होना बहुत ज़रूरी है। 50mm प्राइम लेंस की प्राइस 8000 से 10000 के बीच होती है, तो ये आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। 50mm प्राइम लेंस से आपकी पिक्चर्स में शार्पनिंग तो आता ही है, प्लस उसके अलावा आपकी पिक्चर्स के अंदर कलर्स बहुत ही अच्छे आते हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको एक प्राइम लेंस क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में जो अभी वीडियो शूट हो रहा है वो भी 50mm प्राइम लेंस पे शूट हो रहा है। सेकंड टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जो कि है डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि ब्लर इफेक्ट। तो प्राइम लेंस का सबसे खास फीचर जो है वो बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट। जब आप कोई पिक्चर क्लिक करते हो, अगर आप पिक्चर किसी किट लेंस या जूम लेंस से क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड भी ब्लर हो जाता है, लेकिन जो पिक्चर में क्लियरिटी आनी चाहिए वो नहीं आती है। अगर आप उसी पिक्चर को एक प्राइम लेंस से शूट करोगे तो उस पिक्चर में क्लियरिटी प्लस बैकग्राउंड का जो बोके है वो बहुत ही प्यारा बनेगा। और प्राइम लेंस से क्लिक करने का सबसे अच्छा खास फायदा ये है कि आपको उसके अंदर जो कलर करेक्शंस है वो एक किट लेंस के मुकाबले बहुत ही अच्छे दिखेंगे। तो अब मैं आपको 50mm का कमर्शियली यूज़ बता रहा हूँ। जैसे आप किसी का फोटोशूट कर रहे हो तो अब सबसे पहला जो डिमांड होती है लोगों की वो होती है कि बैकग्राउंड बहुत अच्छे से ब्लर होना चाहिए, पिक्चर में जो क्वालिटी है वो अच्छी आनी चाहिए। तो जनरली लोग ये कहते हैं कि कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है वो उस पिक्चर को उतनी ही अच्छी मानते हैं। लेने वाले लोग तो जूम लेंसेज से भी अच्छे पोर्ट्रेट्स लेते हैं, लेकिन अगर आप 50mm प्राइम लेंस यूज़ करते हो तो आपकी पिक्चर्स उन जूम लेंसेज की पिक्चर्स से बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आएंगी। अब जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनको बता दूं, मेरा नाम है लोकेश, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थर्ड टॉपिक जो है वो है लाइट वेट एंड इजी टू कैरी। तो प्राइम लेंस की सबसे अच्छी और ख़ास बात ये है कि इसका लाइट वेट, इसके लाइट वेट के कारण आप इसको ईजिली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्ट्रीट पर शूट कर रहे हैं या ट्रैवल ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो इसका लाइट वेट होने के कारण आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं अपने बैग में। जबकि इसके ऑपोजिट अगर आप किट लेंसेज यूज़ करते हैं जिनका वेट बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, प्लस कैमरा बॉडी का वेट भी हैवी होता है, तो वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास एक 50mm प्राइम लेंस है तो आप अपने काम को इजीली कर सकते हैं। तो फोर्थ जो टॉपिक आता है वो है अमेजिंग रिजल्ट्स इन लो लाइट कंडीशन। तो प्राइम लेंस आपको लो लाइट कंडीशन में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देता है, क्योंकि जितने कम नंबर का आपका लेंस होगा उतनी ही अच्छी लाइटिंग वो आपके कैमरे में इजीली कैप्चर करेगा और आप लो लाइट कंडीशन में भी बहुत ही अच्छी पिक्चर्स इजीली ले सकते हैं। लास्ट ईयर मैं एक इवेंट में गया था तो मेरे पास मेरा कैमरा निकॉन डी 5600 प्लस 50mm प्राइम लेंस था। वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लाइट ऑफ सोर्स नहीं था मेरे पास, ना मेरे पास फ्लैश थी, ना कोई लाइटिंग कंडीशन थी, लेकिन जो वहाँ पे ऑलरेडी लाइट अवेलेबल थी मैंने वहाँ पे पोर्ट्रेट्स क्लिक किए, जैसा कि आप ऊपर पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लो लाइट कंडीशन में इसका वर्क बहुत ही अमेजिंग है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि लो लाइट कंडीशन में इसका वर्क कितना अच्छा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई 50mm प्राइम लेंस है तो आप इजीली इतनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा लाइट ऑफ सोर्स। तो 5 नंबर का टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू। स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू की मदद से आप अपने सब्जेक्ट को फोकस रख के बैकग्राउंड को इजीली ब्लर कर सकते हैं, जिससे आपका जो फोकस है वो टोटली ओनली आपके सब्जेक्ट पे रहेगा। सेम एज आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी इसको ऐसे के ऐसे ही यूज ले सकते हैं। आपका जो फोकस है वो आपके किसी पर्सन या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होगा और बैकग्राउंड जो है वो इजीली ब्लर हो जाएगा। तो इसका जो ये इफेक्ट है ये बहुत ही यूजफुल होता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में और स्ट्रीट फोटोग्राफी में। तो जब आप किसी मॉडल का पोर्ट्रेट शूट करते हैं या स्ट्रीट में फोटोग्राफी करते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को फोकस रखना चाहते हैं और बैकग्राउंड को ब्लर रखना चाहते हैं, तो ये आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू आपके सब्जेक्ट को फोकस करता है और बैकग्राउंड को ब्लर करने की कोशिश करता है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास एक प्राइम लेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की सभा बस यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।